नमस्ते हरीश जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले एज यूजल हम कॉर्पोरेट न्यूज सुन लेते हैं। भोपाल ने 3,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मसौदा पत्र दाखिल किया। डीलिस्टिंग प्रक्रिया सेबी के निश्चित मूल्य मॉडल को स्वीकृति की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। मारुति सुजुकी हुंडई मोटर ने जून की घरेलू बिक्री में मामूली वृद्धि दर्ज की। एमएनडीएम और टोयोटा किर्लोस्कर ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की, जबकि टाटा मोटर्स, होंडा कार्स इंडिया, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बिक्री में गिरावट दर्ज की। भारतीय कार निर्माता पिछले साल के उच्च आधार के मुकाबले जून में बेहतर बिक्री के लिए संघर्ष करते रहे। भारत में जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश होगी, आईएमडी का अनुमान। जून में जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। वित्त मंत्रालय ने मासिक डेटा जारी करना बंद किया। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 24 में टाटा समूह की कंपनियों के वित्त को नए उच्च स्तर पर पहुंचाया। टाटा मोटर्स का समेकित शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 23 में 2,351 करोड़ रुपए से 1,200% से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 32,203 करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया। भारत सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3,250 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए $72 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है, जो 2 जुलाई से प्रभावी है। सोमवार को जारी एक अधिसूचना से पता चला। पेन्नार इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक नया प्लांट स्थापित करके भारत के उत्तरी हिस्से में अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार कर रही है। जीनस पावर ने महाराष्ट्र अकोला अमरावती स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस को एनटीपीसी से एनटीपीसी तालचेर 2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सीमलेस स्टेनलेस स्टील बॉयलर ट्यूब की आपूर्ति के लिए 117 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने ऋण प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से धन जुटाने को मंजूरी दी थी। बैंक ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की प्रकृति में 3 लाख वरिष्ठ असुरक्षित रिडीमेबल दीर्घकालिक बॉन्ड आवंटित किए हैं, जिनकी कुल कीमत 3,000 रुपए करोड़ है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज़। अब मार्केट की बातें करते हैं। हरीश जी बताइए, आज मार्केट कैसा रहा? थोड़ा सा नीचे नजर आया और फ्लैट भी था, तो मार्केट से क्या खबरें हैं? गुड इवनिंग प्रिया जी। अगर मार्केट में हाल देखते रहो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, क्योंकि लगातार हमने पिछले हफ्ते में सॉरी पिछले महीने में एक शानदार बाउंस देखने मिला था। तो और इस हफ्ते में जो जब से शुरुआत से देखा जाए, तो इस महीने के शुरुआत से ही हम लोग थोड़ा सुस्त मार्केट और साइडवेज का मार्केट देखने मिल रहा है। जी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से रैली देखने मिला था पिछले महीने में, तो उसके चलते एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि 24,000 का जो मार्क है, एक अभी इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा। उसके ऊपर ही मुझे लगता है कि उसके ऊपर ही कंसोलिडेट हो सकता है कुछ टाइम करके, जब तक हमारा बजट सेशन ना हो। एनी मेजर इवेंट एक्सपेक्टेड दिस वीक? अभी ऐसा कुछ इवेंट्स है ना अभी फिलहाल, जब हम लोग बजट के लिए मेजरली वेट करना चाहिए, लेकिन बीच बीच में सभी की तरफ से और बहुत सारे नए नए सर्कुलर्स आ रहे हैं, तो उसके चलते मार्केट में भी थोड़ा मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। जी, ये मार्केट की बातें रही। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड और बायोकॉन लिमिटेड के बारे में। तो टाटा मोटर्स बताइए कि क्या मेजर ट्रेंड है इस कंपनी में?
टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स जो है ऑलमोस्ट मार्च 2024 में हाँ टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1030 से 30 का। तो उसके जी बाद से हम लोग देखते हैं तो प्राइसेस जो है कंसोलिडेशन और बड़ा सा ब्रॉड रेंज में चल रहे हैं, क्योंकि नीचे में ऑलमोस्ट 850 से 860 का नीचे बेस बनाया है, ऊपर में 1050 के अराउंड का रेजिस्टेंस जोन है। तो ये ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है फिलहाल के प्राइसेस। तो ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड अभी फिलहाल के नहीं बन रहा है। हवेवर एक ट्रेंड ऐसा जो है कि ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो अभी भी तेजी है, लेकिन जिस तरीके से ये जो पैटर्न बना है और प्राइसेस विद इन द रेंज चल रहे हैं तो एक चैनल में प्राइसेस चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है अभी इमीडिएट बेसिस में वो 1900 के आसपास से लेकिन 860 के अराउंड के रेंज में सपोर्ट बने हुए हैं, और मेरा रेजिस्टेंस जोन है कि 1050 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो आज का प्राइस अभी का प्राइस अगर देखते हैं तो 980 के आसपास है। तो प्राइसेस तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि तो एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया स्टॉक प्राइस। जी, तो ये जो आप ट्रेंड कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? हाँ मुझे बिल्कुल लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा और ऐसे ही ट्रेंड साइडवेज रहेगा कुछ टाइम तक जब तक एक मेजर ट्रिगर ना आए। तो अगर बजट में कुछ निकल के आता है, कुछ अलग से PIL का कुछ इंसेंटिव आते हैं EV सेगमेंट के लिए वगैरह, तो तब फिर से एक बार बाउंस बैक होने के ज्यादा उम्मीद हो सकती है। तब तक ये मुझे लग रहा है जब कोई अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रिगर्स नहीं है, सो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन बिल्कुल कंटिन्यूशन रह सकता है। जी, इसके इंडिकेटर्स क्या लग रहे हैं आपको? RSI, मनी फ्लो, स्टोकेस्टिक्स? देखिए RSI की बात करते हैं तो स्पेशली अभी फिलहाल के लिए अब वीकली में RSI ऑलमोस्ट 57 पे आ चुका है। ऑलमोस्ट फेब्रुआरी में ऑलमोस्ट 89 तक पहुंच गया था RSI, तो वहां से स्लिप होते हुए अभी 57 पे है। तो जो कि डिसेंट साइडवेज कंसोलिडेशन में करेक्टिव करेक्शन दिखाया है और RSI भी पुल अप हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन में है तो अभी इतना कुछ मोमेंटम क्लियर मोमेंटम नहीं है कि बाउंस बैक करे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही साइडवेज कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है RSI। फिर MACD की बात करते हैं, MACD एक नेगेटिव क्रॉसओवर कर चुका है हिस्टोग्राम और एवरेज दोनों का, सबसे तो थोड़ा बहुत स्लाइटली बेरिश साइन इंडिकेट कर रहा है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो ओवरऑल सेटअप की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये जो कंसोलिडेशन है कंटिन्यू हो सकता है RSI में ए और MACD दोनों स्लाइटली वीकनेस नजर आ रहा है। और मेरे बोलिंग का बैंड की बात करते हैं तो बोलिंग का बैंड में प्राइसेस जो है अभी फिलहाल मिड रेंज के आसपास चल रहे हैं वीकली में, तो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है ऊपर की। सेम बोलिंग का बैंड के हिसाब से भी 1050 के अराउंड रेजिस्टेंस 1040 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है और सपोर्ट जो है 930 940 के अराउंड सपोर्ट जोन है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा अगर बात करते हैं तो प्राइसेस एक कंसोलिडेशन में है और नीचे की और अगर बाई चांस कभी स्लिप होता है 4-5% डाउन सो 940 950 लेवल्स के आता है तो फिर से एक बार अक्यूमुलेट कर सकते हैं बाइंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। तेरा सौ हायर से 1050 के आसपास टारगेट के लिए चला सकते हैं। मनी फ्लो और स्टोकेस्टिक के बारे में बताइए। स्टोकैस्टिक की जैसे बात करते हैं तो स्टोकैस्टिक में देखा है तो मोमेंटम एक ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है स्टोकैस्टिक, क्योंकि कुछ कुछ टाइम पीरियड से स्टोकैस्टिक भी साइडवेज में है और 64 और जो है स्टोकैस्टिक जो है मेजरली साइडवेज मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो जो साइडवेज में है तो इंडिकेट हो रहा है कि इस मार्केट प्राइसेस में ज्यादा कुछ मूवमेंट ना हो सकता है, तो कुछ टाइम पर कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन रह सकता है। जी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन चल रहा है थोड़ा एक डिप आता है तो 4-5% का डिप आता है तो मुझे लग रहा है कि बाई कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी तक फिलहाल प्राइस जो है 900 से लेके 860 का लेवल जो है होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उस लेवल्स के आसपास जब भी आता है प्राइस डिप 950-940 लेवल तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जी जो कि ऑलमोस्ट 1 सेकेंड ऑलमोस्ट 6-7% का 6-7% का रिस्क रहेगा। फिर अगर ऊपर की ओर हम लोग रिवॉर्ड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 15% तक का चांसेस है ऊपर बाउंस होने का, जो कि हमने जो ऑलरेडी बताया जो 1050 का लेवल जो है तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस बाउंस बैक फिर से। जी, तो आप क्या एडवाइस देंगे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स के ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की वजह से के हिसाब से मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स एक बार नीचे डिप में आते हैं तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रन अप देखने मिला था ऑलरेडी तो थोड़ा एक ट्रिगर कुछ आना चाहिए ट्रिगर, तब भी जाके हमको एक मेजर ट्रेंड मिलेगा। तो
मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा अवॉइड करें। फिलहाल ट्रेडिंग जोन के लिए ट्रेडर्स जो भी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, वो नीचे के डिप्स में बाय कर सकते हैं, आपको ब्रेक कर सकते हैं ऊपर के 1050 के टारगेट के लिए। जी, और कोई बात आप बताना चाहेंगे? एनी इम्पोर्टेंट पॉइंट, एनी हाईलाइट अबाउट द कंपनी? देखिए ऑलरेडी जो भी मूवमेंट है हो चुका है टाटा मोटर्स में, मेजरली अभी कैसा है कि इश्यू रीजन ये है कि मेजरली ईवी के ऊपर इतना प्रयास चल चुके थे, लेकिन ईवी का जो सेल्स है इतना ज्यादा कंटिन्यूएशन में नहीं है। इवन अगर यूएस का भी बात करते हैं और इंडिया में की बात करते हैं तो ईवी का सेल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिख रहा है। तो बहुत सारे और हर्डल्स है और हेडविंड्स है ईवी के लिए, सेगमेंट के लिए। हवेवर उनका जो भी दूसरे सेगमेंट्स है उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है टाटा मोटर। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि जो एंथुजियाज्म था पहले वो अभी एंथुजियाज्म थोड़ा बहुत साइडवेस हो रहा है। व्हेन वी कंपेयर विद द अगर दूसरे अगर पेयर से कंपेयर करते हैं जो कि महिंद्रा महिंद्रा के हिसाब से देखते हैं, तो महिंद्रा महिंद्रा ऑलरेडी एक शार्प रन अप दिखा रहा है। फिर अगर टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहा है स्टॉक प्राइस का, तो जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिकेशन है कि पिकअप ना हो। तो जो एंथुजियाज्म था ईवी का थोड़ा बहुत अभी फिलहाल स्टैगर्ड है। तो मुझे लग रहा है कि कोई ट्रिगर आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, फिर से एक बार पीआईएल स्कीम में कुछ ज्यादा बेनिफिट मिले, तो तब जाके फिर से एक बार ट्रिगर रहेगा स्टॉक प्राइस को बाउंस बैक करने। जी अब तो ये टाटा मोटर्स के बारे में हमने बात की, अब बायोकॉन लिमिटेड के बारे में चर्चा करते हैं। सेटी सर, योर क्वेश्चंस। नजर आ रही थी इसका मेन ट्रेंड क्या है बायकॉन का, क्योंकि बहुत टाइम देखिए से माइबा क्या साइडवेज में रहा। अगर बायोकॉन की बात करते हैं तो बायोकॉन देखिए एक क्लियरली लैगिंग है। अगर ऑलमोस्ट मार्केट्स 2021 में हाई बनाया था ऑलमोस्ट 487 का, सो वहां से लेके प्राइस फिसल कर ऑलमोस्ट 188 तक आ चुके हैं ते मार्च 2023 से। तो 23 से लेके प्राइसेस अभी फिलहाल 364 तक चल रहे हैं, तो 50% का जंप है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो ये अंडर परफॉर्मर रह चुका है स्टॉक प्राइस। इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा है, इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाया स्टॉक प्राइस पे। तो अभी ओवरऑल की ट्रेंड की बात करते हैं तो फिलहाल ये जो भी है एक रिवर्सल तो नहीं लग रहा है फिलहाल, जो भी है सिर्फ रिट्रेसमेंट है। जो प्रीवियस फॉल देखने मिला था 2021 से 20 दिसंबर से लेके 2023 तक, तो ये जो फॉल आया था उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है फिलहाल प्राइस जो भी ऐसा देखा है। तो रिकवरी आई थिंक मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा रिकवरी मोड में है फिलहाल। अभी आपको क्या लगता है, करंट ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या वापस आएगा नीचे? मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा कुछ ना आउट परफॉर्म रहेगा ना बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगा ये स्टॉक जो है, क्योंकि स्पेशली फार्मा में है। मुझे लग रहा है कि फार्मा के साथ साथ थोड़ा बहुत स्लाइड चलेगा, लेकिन प्राइस में इतना ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट देखने नहीं मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर बात करते टेक्निकल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो पार कर चुका है। अभी रेजिस्टेंस जोन मुझे लग रहा है कि 375 के अराउंड है, तो 375 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। अगर वो पार करता है तो मुझे लग रहा है कि 400 तक लेवल्स दिख सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक मेजर शार्प रैली देखने मिल सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन में मेजरली स्लोली स्लो पेस में ग्रोथ देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बायकॉन का इतना नीचे लोगों ने देखा है और इतना डरा हुआ देखा है कि उसमें कोई पोटेंशियल ही नजर नहीं आ रही। उसको हम कंपेयर कर सकते हैं ड्यूपिन से। ड्यूपिन कुछ साल पहले, 2 साल पहले तक उसकी हालत क्या थी? 1.5 साल पहले तक 600 650 में पड़ा था। तो आपको कुछ बिल्कुल दिखता है क्या सिमिलरिटी? बिल्कुल सर साहब, अभी ऐसा कुछ इतना ज्यादा ट्रेंड तो थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने मिल रहा है, लेकिन जो मोमेंटम होना चाहिए स्टॉक प्राइस में जिस तरीके से एक बुल रैली चल रही है मार्केट्स में उसके चलते ये कहीं ना कहीं लगातार रह चुका है। और उसके साथ साथ इंडेक्स के साथ साथ ये कहीं ना कहीं एक कंपीट नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत वीकनेस तो है ही है, लेकिन जो भी है ग्रोथ आए तो भी स्टॉक प्राइस में एक स्टडी ग्रोथ रहेगा। ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं मैं फिलहाल के लिए प्राइस में, लेकिन स्टडी ग्रोथ रह सकता है स्टॉक प्राइस में। वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम कुछ टाइम से अगर अप्रैल मई की बात करते हैं तो अप्रैल मई में एक ह्यूज वॉल्यूम देखने मिले हैं।
लेकिन उसके चलते अगर लास्ट 2 महीने से 2 महीने की बात करते तो वॉल्यूम ग्रेजुअली श्रिंक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है जा रहा है वॉल्यूम्स घट रहे हैं, तो इंडिकेट ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं लोग एड ऑन नहीं हो रहा है, रोलिंग में एडिशन बिल्डअप नहीं हो रहा है स्टॉक प्राइस में, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहे हैं प्राइसेस, जो कि ऑलमोस्ट 61% रिट्रेस कर चुका है नीचे लेवल से, तो 375 लेवल से स्टिफ रेजिस्टेंस जोन रहेगा फिलहाल के लिए। 375 के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार वॉल्यूम पुल बैक आ सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका डायरेक्शन भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, भटक भी रहे हैं। मुझे डायरेक्शन तो है, अभी भी स्लोली पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन जो पेस में चलना चाहिए, जो स्पीड से प्राइसेस अगर बुल मार्केट में होना चाहिए स्टॉक को, उस तरह का आपका मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है स्टॉक में, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में स्टडी ग्रोथ रहेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ ऊपर। हावेवर अगर 375 एक इमीडिएट हर्डल जोन रहेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी 356 का प्राइस चल रहा है, वो उस लेवल्स के लिए मुझे लग रहा है कि वहां तक बिल्कुल जा सकता है। 375 के लेवल्स 1-2 हफ्ते में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर टिकना जरूरी है सो दैट फर्दर एक्सटेंशन हो 400 के। मुझे तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या प्राइस पे लेते हैं आप? लग रहा है कि सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 330 के अराउंड सपोर्ट जोन बना हुआ है, क्योंकि जो 335 से 330 के अराउंड, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट का रेंज है वो, उस अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं जैसे मैंने बताया 375 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो पार करता है तो 400 पर भी स्टिफ रेजिस्टेंस। वो टेक्निकल इसके इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? RSI, EMRO, स्टोकेस्टिक्स। अगर आरएसआई की बात करते हैं, जिस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हुआ है, उसके से पहले ही स्टॉक आरएसआई में ऑलमोस्ट 71 के आसपास चल रहा है, जो कि ओवरबॉट सिनेरियो में मूव हो चुका है, क्योंकि प्राइसेस तो ज्यादा बाउंस नहीं किए, लेकिन आरएसआई ऑलरेडी 71-92 पे चल रहा है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा स्लाइटली ओवरबॉट है ये स्टॉक प्राइस। और एमएसडी की बात करते हैं तो एमएसडी में अभी पॉजिटिव ट्रिगर से दिखा रहा है और कोई भी वीकनेस नहीं नजर आ रहा है, वेयर स्टोकेस्टिक की बात करें, स्टोकेस्टिक जैसे मोमेंटम की कैलकुलेट करता है वो ऑलरेडी 94 पे चल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि क्लियरली एक ओवरबॉट सिनेरियो में है स्टॉक प्राइस। सो जो अगर पूरा पैरामीटर्स की बात करते हैं तो उसके हिसाब से भी क्लियर कट ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो चुके हैं जितना होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि एक रेसिस्टेंट जोन के आसपास आ रहे हैं प्राइसेस, तो थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है इस लेवल पे एंट्री के लिए। तो ऋषि, आपके हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है? मेरे हिसाब से रिस्क इसमें एक्चुअली रिस्क ज्यादा रहेगा, रिवॉर्ड थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आरएसआई वगैरह आरएसआई और एमएससी स्टोकेस्टिक जो है ऑलरेडी ओवरबॉट सीनियर में चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा रिस्क नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल के। 3% का अपसाइड मूव यहाँ पे इमीडिएट बेस में अगर वो पार करता है तो हम लोगों को 400 का लेवल्स दिख सकते हैं, तो वो लेवल्स के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 20% का रेंज हो गया, तो उसके लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो स्लो एंड स्टडी डिप में बाई कर सकते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल के लिए मैं इसको अवॉइड का रिकमेंडेशन अवॉइड रिकमेंड करूंगा, कि जिस तरीके से मोमेंटम दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से वॉल्यूम्स भी घट रहे हैं, तो उसके चलते मैं फिलहाल के लिए अवॉइड रिकमेंड करूंगा इसमें। और दूसरे स्टॉक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं मार्केट के बुल रन में बुल रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अगर आगे ही करता है तो एक डाउटफुल है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं देखा है। तो जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है इसमें, हाँ सिटी कितना सर, रिस्क लेना है? मैं यही बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लग रहा है कि ये ऐसा एक इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है स्टॉक, तो और ज्यादा हो सकता है कि मेरे हिसाब से ज्यादा रिटर्न्स ना बना के दे स्टॉक में, तो उसके चलते मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर सेटअप की बात करते हैं तो सेटअप तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वीकनेस नजर आ रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन ओवरबॉट सिनेरियो के आसपास तरफ मूव हो रहा है प्राइसेस, तो उसके चलते मैं बोल रहा हूँ कि इसको अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए, और जिस तरीके से लगा रह चुका है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट्स में, तो उसके चलते मैं ये स्टॉक में अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं ओवरऑल सेटअप की बात करें, सेटअप में थोड़ा कोई इतना कुछ वीकनेस नहीं नजर आ रहा है और तेजी तो है ही है, पर कोई किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है, बाइंग होल्ड कर रहा है, तो मैं बिल्कुल उनको होल्ड करने की राय दूंगा, लेकिन फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा। लेकिन देखिए, ऐसा स्टॉक कभी कभी बरसों में लेने को आता है,
जो अभी फर्स्ट सपोर्ट पे नहीं लेना, तो सेकंड सपोर्ट पे ले सकता है क्या? हाँ, अगर कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो बिल्कुल स्टॉक में अगर डिप आता है तो सपोर्ट के पास आए तो बाय कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 320 330 के अराउंड है, तो वो डिप मिलता है तो कोई बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म प्ले करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ा डाउटफुल है स्टॉक में फिलहाल के लिए। और ऐसे ही समझो फर्स्ट रेजिस्टेंस से ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस में जाता है तो वहां बेच सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। हाँ रेडी सर, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहता है, अगर ट्रेडर है तो कोई ट्रेडिंग के लिए जोन से देखना चाहता है, नजर ऐसे लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर हो सकता है कि वही चीज में बताया जो अभी फिलहाल के 350 के 56 के अराउंड चल रहा है, तो प्राइसेस अगर 375 के ऊपर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि और 400 तक जाने के चांसेस है, तो उसके लिए कोई बेट लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइक थोड़ा डिप में एटलीस्ट बाई करें। मेरे हिसाब से क्योंकि जिस तरीके से लगा रह चुका है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो मिल सकते हैं बाय परचेस के लिए, बाय करने के लिए, जो कि इससे भी अच्छे हैं। अरे जी, मेरा एक सवाल है कि हमें स्टॉक हाँ में चूजी रहना है या करना ही नहीं है? देखिए, अगर कोई जब मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स मिल रहे हैं तो अंडर परफॉर्मेंस वाला स्टॉक लेने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक प्राइसेस हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाता है और हमारा जो पैसा है उसमें अटक जाता है टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए मैं अवॉइड करूंगा स्टॉक को। नहीं तो मुझे ऐसा कुछ टेक्निकली खराब तो नहीं लग रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमको मिस ना हो जाए इसकी उसकी वजह से मैं अवॉइड करने लगा बोल रहा हूँ। जी, हरीश जी, और कुछ बताना चाहेंगे इन स्टॉक्स के बारे में या फिर मार्केट के बारे में? प्रिय जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज है, रहेगा भी कुछ टाइम के लिए, जब तक कोई मेजर ट्रिगर, जैसे मैंने बताया कि मेजर ट्रिगर्स कोई जब तक बजट नहीं होता है, तो तब बजट के बाद ही हमको क्लियर पिक्चर देखने मिलता है। उसके पहले हम सोचा कि एक माइनर करेक्शन भी देखने मिले, एक 3 से 4% का डाउन डिप भी देखने मिल सकता है, तो स्टॉक में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप तो अभी तेजी है, तो डिप्स में आए तो बाय कर सकते हैं, करना चाहिए लोगों को। जी हरीश जी, थैंक यू सो मच हरीश जी, आपने एडवाइस दी हमारे इन्वेस्टर्स को, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक थैंक यू जी, यू नमस्कार प्रिया जी, जी, थैंक यू सर जी, सर नमस्कार। थैंक यू, गुड इवनिंग। सिटी सर, आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड? नहीं, अच्छी चर्चा हुई, पर अभी प्रॉफिट बुकिंग बाजारों में शुरू नहीं, शुरुआत हो गई है अभी, जी और सावधानी बरतनी पड़ेगी इनको, उन लोगों को, इन्वेस्टरों को। जी सर, तो हम ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करते रहेंगे और अलग अलग विषय पे चर्चा करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू।